नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुणी थरे आपण समस्त को स्वागत करूची एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम रे ए वीडियो टिके प्रत्येक युवक युवती छोट पिला पितामाता जे भी सुनचते समस्त सुनंतु कारण ए वीडियो आपणकर जीवन सहित आपणकर भविष्यत सहित आपणकर सफलता सहित ता सहित आपणक पिला मानकर भविष्यत सेमानकर सफलता सेमानकर आनंद समस्त जिनिस सहित जड़ित मनुष्य बोधे भावेनि मनुष्य बोधे चिंतन करेनि जे तार प्रत्येक शब्दर प्रभाव अन्य ऊपर रहिछि से सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो कारण मनुष्यर होश रहेनि से कौन कहुछि कौन करुछि हे तो अधिकांश समय 99% समय मनुष्यर होश न थाए किंतु प्रत्येक शब्द प्रत्येक कथावार्ता प्रत्येक चालीचलन आपणकर पिला उपरे आपणकर सांगसाथी उपरे आपण परिवार उपरे प्रभाव पकोउछि ए जिनिस को भलाबरे जानिबा दरकार गोटे सुंदर कथा को अछि पाटी खोलिला पूर्वरु मस्तिष्क खोलंतु अर्थ कथावार्ता कला पूर्वरु निज मन मस्तिष्क को प्रथमे पचारंतु ताकु खोलंतु मु कोन कहिबा पई जाउछि मोर कोन कहिबा उचित कारण शब्दर प्रभाव अछि आपण होत कहि कि ताकु भूली जाउछन्ति जदि आपण होश न रहउची जदि आपण होश पूर्वक कथावार्ता न करउछन्ति तेबे आपणकर प्रत्येक शब्द कोनसी ना कोनसी जगह रे क्षति सृष्टि करि पारे आ होश रहतबा लोक सदा सर्वदा कम कथावार्ता करे चुप रहे आज पर्यंत हमको सदा सर्वदा शिक्षा दिया आइछ जो लोक जते अधिका गपी पारिबो से होउछि सफल किंतु एक भूल धारणा पिला मानको केबे भी ए भूल शिक्षा दियंतु नाही जो माने चुप रहउछन्ति कम कथावार्ता करउछन्ति से मानको केतेबेले भी निम्न दृष्टि रे देखंतु नाही चुप रहउतबा लोक तो माने अपूर्व शक्तिशाली हितांति चुप रहिबार अर्थ ए नय जे सदा सर्वदा चुप रहिबे जेतिक आवश्यक सेति कथावार्ता करिबे मु मध्य से मानक मध्य जने दरकार पडले मु 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा नॉन स्टॉप कथावार्ता करे सेमिनार्स निए किंतु जदि आवश्यक न थाए संपूर्ण रूपे चुप थाए कारण कथावार्ता कोनो गोटे छोटे जिनस न आपन प्रत्येक शब्दर मूल्य अछि मोर प्रत्येक शब्द होछि गोटे हीराबळी मोतीबळी जदि मु जानि परिबि मो कथावार्तार मूल्य अछि बोली मु ताकु नष्ट करिबि नै अजथा कपिबि नै तेणु चुप रहिबार अपूर्व शक्ति अछि ताकु जानिबा दरकार पिला मानको केबे भी ए भूल शिक्षा दियंतु नै जे सदा सर्वदा प्रगल्भ बळी गपि चाल गपुथवा लोक बहुत भूल करे कम कथाकर्ता किए करे ना जार होश थाए आ होश थिबा लोक कम कथावार्ता करे किंबा शक्तिशाली कथावार्ता करे आसंतु ए सुंदर वीडियो माध्यम रे किछु अमूल्य शिक्षा जानिबा चुप रहुथवा लोक मानकर किछु अपूर्व गुण जानिबा आ मु सुदर्शन मिश्र सदा सर्वदा प्रचेष्टा करछि दुनिया रे जहा प्रकृत नियम जीवन रे जहा अमूल्य शिक्षा आपण पाकर सहज सरल आकार पहुंचु आपण जीवन कौन से नकारात्मक जिनिस न प्रवेश न करु आपण जीवन से नष्ट न करु सफलता होछ आपण जन्मगत अधिकार ताकु के नष्ट कर दिबा तार अधिकार कार नै तेणु यथा संभव प्रचेष्टा करंतु जीवन अमूल्य शिक्षा को जानिया पई निज जीवन रे प्रवेश करैबा पई चुप रहउतबा लोक केते शक्तिशाली कोन तार सातटी अमूल्य गुण ए समस्त जिनिस को आज ए सुंदर वीडियो माध्यम रे जानिबा ए जिनिस कहिबा आपण बहुत जरूरी जन युवक थिला जे बहुत कम कथावार्ता करथिला से सदा सर्वदा ता काम रे व्यस्त थिला सदा सर्वदा से तार इंजीनियरिंग वर्क हो ता पाठ पढ़ाउ ता ते लागि रहथिला कम कथावार्ता करथिला बाप मा बहुत विरक्त होतले कहथिले पिलाटा एते कम कथावार्ता करछ जीवन ने कोन करिवो आगु को जाई से एप्पल कंपनी नो को फाउंडर हला ताकर नाउ स्टीव वग्निया समस्त स्टीव जॉब को जानचंती कि स्टीव वग्निया को के जानतनी से होउछंती एप्पल कंपनी रो 50% सफलतार हात से होउछंती परदा पछर हीरो जते सब डिजाइनिंग करा आइतला जते सब डेवलपमेंट करा आइतला तादर अधिकांश कंट्रीब्यूशन होत स्टीव वग्निया कर से जन सदा सर्वदा चुप रहउथवा लोक जते बेले भी ताको कुआ होइ छि तुमे सदा सर्वदा एते चुप काहि रहउछ सेते बेले से कहितले कौनसी पिता माता युवक युवती ए दुनिया रे केबे भी ए भूल धारणा भीतर रहंतु नाही किबा पिला को कहंतु नाही जे तुम्हें कम कथावार्ता करछ तुम्हें जीवन रे सफल होई परबो नाही कारण कम कथावार्ता करथुबा लोक माने ही बेसी फोकस्ड थांते
ସେମାନଙ୍କର କାମ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତନ କରି ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ। ଆପଣ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ବକ୍ ବକ୍ ହେବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ, ମଣିଷର ସିଷ୍ଟମ, ମଣିଷର ଯେତେ ସବୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ତା ସହିତ ଆମର ବିଚାର ବି ଚାଲିଛି, ଥଟ୍ସ ବି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ଥଟ୍ସ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନା, ଭଲ ଥଟ୍ସ ବି ଭଲ ବିଚାର ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଗଳ୍ପ ଭଳି ଗପି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଯେତିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ସେତେ କମ୍ ଫୋକସ୍ଡ ରହିବେ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଶକ୍ତି କମିବ। ଷ୍ଟିଭ୍ ଅଗ୍ନିଆ ଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟତା ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଫୋକସ୍ଡ ଥାଏ, ତାର କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖିଥିବେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ରାଇଟରମାନେ, ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗପୁଥାନ୍ତି ନା ଚୁପ୍ ଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୁପ୍। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଫଳ ଲୋକ, ଯେତିକ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକ ଫିଲୋସଫର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ଦିନରେ ଅତିକମ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ବି ବହୁତ ସମୟ ବସେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସେ। ମୋର ଯାହା ଓନ୍ ଥଟ୍ସ, ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସେହି ସମୟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଏ, ଶାନ୍ତ ରହେ, ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା କେବେ କେହି ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେନି ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କଭର କରିବାର ଅଛି, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣିବାର ଅଛି, ଚୁପ୍ଚାପ୍ କିଛି ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକର ଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ଗୁଣ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ, ମୁଁ ମିଶିପାରୁନି, ମୋ ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ରଖି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ନା। ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଆସିବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି, ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିବା। ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବାଲି ପୁରୁଷ। ସେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧୁ, କେତେ ବି ବୟସର ହଉ, ଆକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ, ଆକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରତ ଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ଗପୁଥାନ୍ତି ନା ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଫଳ, ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆୟତ ଥାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ନ କଟିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଦୁନିଆକୁ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବେ ନା, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜୀବନରେ। ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଚୁପ୍ ରହିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାର ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୁପ୍, ଭିତରେ ମନ ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କି ଅପୂର୍ବ ଗୁଣ, ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। କେମିତି,
मन मस्तिष्क जेतबेला सदा सर्वदा विचलित थिबो दुखित अवस्था रही राइट डिसिजन निया जाय समस्या थिला बेले ही ठीक डिसिजन नबाउ पड़े सेतबेला जंद मन मस्तिष्क सदा सर्वदा हजार हजार विचार चलैथिबो सेतबेला आपन जो भी डिसिजन नेबे से जिंस भूल हबो चुप रहुतबा लोकंकर मन मस्तिष्क भीतर कम विचार थाय से माने सदा सर्वदा निजर स्वत निजर सोर्स को पचारि विचार नियंत अर्थ निजर आंतरिक अवस्था को फेरि जांति ए जिंस मु शब्द रे बुझाय पय चेष्टा करथि बा प्रचेष्टा करथि ए जिंस को बुझिया पय थरे निजर आंतरिक अवस्था को चली जांतु निजर प्रकृत अवस्था को चली जांतु शांत अवस्था को चली जांतु सेठी आपनकर दुनिया रो समस्त समाधान अछि कोनोसी भी समस्या हो आपनको यदि से जिनिस को आपन बारंबार करि चलतिबे दीर्घ 10 वर्षर मोर होछि एक्सपीरियंस अभिज्ञता आगत भविष्यत जिनिस आपन जानि परिबे का सहित कोन घटिबो कोन हबो आपन तुरंत प्रत्येक क्षेत्र रे लोक भी जानि परिबे ये जहां कहउछन आगु से हबो से समस्त जिनिस संभव केतेबेले ना जेतेबेले आपन दीर्घ समय जे शांत रहउतबे चुप रहउतबे चुप रहउतबा लोक माने राइट डिसिजन नै पारंती प्रकृत जा समस्या रो समाधान तक बाहर करि पारंती तेनु जो लोक नीरव रहउचंती जो मानकर मन मस्तिष्क शब्द किछ समय नीरव रहउची से मानकर संभावना रहिची से मान जीवन रे ठीक निष्पत्ति नै पारिबे बोली पंचम अमूल्य शिक्षाटे चुप रहउतबा लोकंकर जो अपूर्व गुण कम कहिबा द्वारा आपन को संपर्क खराब होयनी अधिका कथाबार्ता कले केबे ना केबे तो किछ खराब जिनिस बाहरिबो आपन कोन अधिका कथाबार्ता करिवे आपन गपिया भाई सेमते लोक भी दरकार आपन को समसामयिक लोक भी आवश्यक कोठी से जिनिस मिलिबो तेणु आपन जदि का सहित गपुचदि अर्थ सी जो प्रकार कथाबार्ता चाहूँ आपन सेमते गपिवे अधिका गपिया द्वारा परालोचना हुए निंदा हुए आ से समस्त जिनिस बुमेरांग भरी घूरी फिरी आपन पाखक आसे लज्जित हुए मनुष्य कम कथाबार्ता लोकंकर संभावना नै का सहित संपर्क खराब होबार से माने कम कहती सठिक कथा कहती ओजनदार कथा कहती तेणु कम कथाबार्ता करतुबा चुप लौतुबा लोकंकर पर्सनालिटी बहुत सुंदर थाए दमदार थाए ताकु बुझिबा दरकार केबे भी दुखित हुवत नै मु कम कथाबार्ता करबि जति आवश्यक अछि सेति कथाबार्ता करंतु फोकस करंतु निज कार्य उपरे षष्ठ अमूल्य शिक्षाटे जो लोक कम कथाबार्ता करे अधिक से सुने जे अधिक सुनिबो से अन्यर मन मस्तिष्क को बुझी पारिबो तार ऑब्जर्वेशन पावर बेसी थिबो कारण ता मन मस्तिष्क शांत अछि शब्द भी कम कहउछि तेन सामना वाला से बुझी पारिबो आमे जदि सदा सर्वदा गपी चलंती आमको मौका कोट मिलला सामना वाला कोन कहउछि ता मन मस्तिष्क भीतर कोन चलछि ताक बुझिया पई तेनु किछि समय चुप रहिबा द्वारा आपन ऑब्जर्वेशन पावर मध्य बढ़िबो काकु निरीक्षण करिवार शक्ति मध्य बढ़िबो ए दुनिया प्रत्येक लोक चाहे मो कथा कई सुनु तेणु आम जदि काकु कथाबार्ता करचंती से लोक मध्य ए जिनिस चाहुचि ना मते कई सुनु बोली आपन सिना चुप रहिले सामना वाला को सुनिबे से आपन को भल पाइबो दुईट लाभ सामना वाला खुशी हबा आपन मध्य ताकु बुझी पारिबे ता मन मस्तिष्क को पढ़ी पारिबे ये कोउ प्रकृति रे लोक मनुष्यर प्रकृति को बुझिबा बहुत कष्ट मनुष्य जदि सदा सर्वदा बक बक हई चले सामना वाला को कोन बुझिबो तेणु चुप रहुतबा लोकंकर ये हूँ गोटे विराट गुण ताकर निरीक्षण शक्ति बहुत अधिका थाए सप्तम गुणटी सबुठारु बहुत बड़ जिनिष चुप रहुतबा लोकंकर सेल्फ कंट्रोल थाए निज उपर आयत थाए कारण सेमानकर मन मस्तिष्क सदा सर्वदा शांत अवस्था पर थाए सेमाने सदा सर्वदा तंतकर आंतरिक अवस्था सहित जोड़ी रही थांती तेणु किछि भी गोटे घटना घटु से ताको भला भाव देखि पारंती स्थिर हिसाब से निरीक्षण करि पारंती ए जगार मोर कोन करबा उचित ए जगार की प्रतिक्रिया दबा उचित मन मस्तिष्क जदि विचार मध्य रे भर्ती हे रहितबो से किछि गोटे कथा कहला माने आपन तुरंत प्रतिक्रिया देबे किंतु आपनकर जदि अंतर भीतर मन भीतर स्थिरता थिबो आपन कई जन किछि गोटे कथा कहिले मध्य आपन स्थिरतार सहित ताको देखिबे ये कौन कहूँ कहीं कहूँ बोधे आर किसी समस्या अच्छे ठीक अच्छे ये कौन कहूँ मुझे भल भाव बुझी आपको ये कि प्रतिक्रिया देवी से समस्त जिनस तो समय दरकार आप गोटे कथा कहला तार कि प्रतिक्रिया देवे से तो स्थिरता दरकार से स्थिरता ही आपन को ठीक रास्ता देखेब आप समय कि प्रतिक्रिया देवे मनुष्य फसी जाए कौ समय समस्या को कितने आमंत्रित कै जो बुझी न सुझी कौन से कार्य करदे कि कथा कहीदे शब्द पाठ बाहरी गला पर तार किसी समाधान न था
कोनसे गोटे कर्म होगा खराब कर्म होगा तापर अनुताप थाए किंतु जदि सेल्फ कंट्रोल थाए निज पर आहत थाए निज मन मस्तिष्क द्वारा ही सब कर्म होना जदि मन मस्तिष्क शरीर पर आहत थाए से केत संभव हम जिते बड़े आपण शरीर उपर आपणकर मन उपर आप संपूर्ण आहत रत रहा जिते बड़े आप शरीर कम विचार सृष्टि हो आप निज शरीर को देखिपे मो शरीर एवं कौ अवस्था अच्छे कि प्रतिक्रिया दूसरे मत जन कौन मो मन कि प्रतिक्रिया सृष्टि होदि आपड़ से समस्त जिनस देखिपारती आपण शरीर आपण हिसाब से चलो आपण मन मस्तिष्क हिसाब से चलिए ना आपण शरीर टाक जंत्र यूज करेंगे व्यवहार करेंगे एटा मो शरीर मुझे कौ हिसाब से व्यवहार करी आवश्यक अच्छी तो व्यवहार करें आवश्यक ना तो कहीं किसी भी कौ घंटा घंटा चुप रही एमती द्वारा आपंती व्यक्तित्व सृष्टि हे दुनिया आप सहित जी अल्प समय मिसब से आप सहित आट्राक्ट हम से आप देखि जानते हैं गोटे भिन्न प्रकार मनीष कम कथबार्ता कर लोक मैंने दमदार पर्सनालीटी था कारण ये समस्त गुण तेज थाए से फोकस्ड था सेल्फ कंट्रोल था आहत थाए विचार कम थाए मन मस्तिष्क शांत थाए से सदा सर्वदा आंतरिक अवस्था को अनुभव कर लगे संसार गोटे खेल पड़िया मुझे बस देखुची सब जिनस तेमें जीवन टा केमी आनंदपूर्ण हाँ ये समस्त जिनस मनुष्य जापरता आम जो पिला कि आम घर थी लोक मान चुप रहा द्वारा गोटे असफल लोक भावुंत गोटे दुर्बल लोक भावुंत कि आम जाणी ना तो शरीर मध्य के गुण अच्छे आमर गोटे नकारात्मक जिनस कह द्वारा से निजुक एत सब गुण थी निजुक दुर्बल भावुच केत बड़ भूल कथा केत व्यवहार का करूँ ना कहतु ना चुप रोकवा लोक मान अपूर्व शक्ति थाए जाणी दरकार ता गुण को परीक्षा दरकार मुझे सदा सर्वदा कहूँ अमूल्य शिक्षा प्रवेश करवा मात्रे आप जीवन संपूर्ण रूपे पर हम आप देहर जो गुण अच्छे से प्रस्फुटित हम ये समस्त जिनस को शुणु जानतु कार्य लगा गोटे अमूल्य व्यक्तित्व ही ठिया हूँ ये भिडियो अगर मान सहित सेयार करूँ लाइक करूँ प्रथम थर पर मत शुणी मो सहित जोड़ा चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ पुणी आपण सहित देखा किसी अमूल्य शिक्षा मध्यम जीवन किसी गुरुत्वपूर्ण बार्ता मध्यम आज ये धन्यवाद।